है वेलकम एवरीवन। तो नए अपडेट के बाद से बैटिंग करना बहुत मुश्किल है और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे सामने जो प्लेटिनम रैंक ओपोनेंट है और आज हम इनके सामने स्पिनर्स के सामने बैटिंग करके आपको दिखाएंगे कि भाई किस तरह से बैटिंग करनी है। तो सबसे पहले बात करें अगर लोफ्टेड शॉट्स आपको खेलने हैं पहले दो ओवर में पावर प्ले में, क्योंकि यहाँ पर फील्डर बाहर होते नहीं है, तो पहला शॉट ये देखो शॉट में पे रख लो 117 नंबर का शॉट है। और हाँ भाई, खास करके कंट्रोल्स पे नज़र रखना, ये जो मेरे कंट्रोल्स है देखना मैं किस दिशा में खेल रहा। अब सामने है लेग स्पिनर, तो यहाँ पे गेसिंग करना तो बहुत ज़रूरी है। पिछली बार इसने लेग स्पिन डाल दिया, मैंने फ्लिप पर सोचा था तो इसलिए कनेक्ट नहीं हुआ, पर अब मैं जा रहा हूँ लेग स्पिन के लिए। अब यहाँ पे भी देखो फील्डर नहीं है, तो मैंने 4-3-1 खेला है। अब इस शॉट को भी रख लो, ये भी काम का है 4-3-1। अब ये जो है वो गुगली आ रहा है, पर हुआ ये कि मैं कन्फ्यूज़ हो गया थोड़ा और मैंने यहाँ पे बैक फुट खेलने की जगह पे फ्रंट फुट खेल दिया। बैक फुट पे वैसे यहाँ पे शॉट लगेगा 156, पर ये तो फिर से 117 जो फ्लिपर गेंद था, फ्लिपर गेंद पे तो 117 बहुत ही काम का शॉट है। पर हाँ, बैक फुट पे जो है वो 156 जरूर लगाने ना बहुत काम लगेगा। अब कभी कभी स्ट्रोक भी खेलने होंगे। देखो ओवर ख़त्म हुई 15 रन, और 15 रन ना भाई एक ओवर में बहुत है, मैं तो कहता हूँ मोर देन इनफ है। और देखना हम तो इसमें बहुत बड़ा स्कोर करने वाले हैं। वैसे यहाँ पे अगला गेंद, और ये देखो मैंने पीछे खेलने की कोशिश की पर आम बॉल निकला। अब राधा कृष्ण के पास तो सारे वेरिएशन है। अब ये जो गेंद है ना, इसको मैंने 4-6-3 खेला, क्योंकि यहाँ पे फील्डर तो है नहीं और मुझे लग ही रहा था कि भाई ये जो गेंद है ना वो ड्रिफ्टर आएगी। पर हाँ, एक चीज़ याद रखो, सबसे पहले अच्छी टाइमिंग वाले बैट्समैन को लेके आओ। अब यहाँ पे देखो मेरा पहला विकेट जा चुका है, मेरा अच्छी टाइमिंग वाला बैट्समैन एक आउट हुआ। अब आप लोग सोच रहे होगे ना कि भाई अच्छी टाइमिंग से तो हर कोई टाइमिंग करेगा, पर ठीक ठाक टाइमिंग के साथ टाइमिंग करे ना तो कहे कुछ। तो अभी देखो ये यू खान 76 का टाइमिंग है, सिर्फ ब्रॉन्ज प्लेयर है, तो ब्रॉन्ज प्लेयर में एक फ़ायदा ये भी मिलेगा कि भाई इसके मैचेस जो है वो कम नहीं होते, क्योंकि इसके अनलिमिटेड मैचेस होते हैं। अब ये देखो मेरा जो दूसरा प्रो प्लेयर था ना, ये भी आउट हो चुका है। प्रो सीरीज़ के लिए हमें 4 प्रो प्लेयर चाहिए होते हैं, और उसके बाद भाई जो कम टाइमिंग वाले प्लेयर से वही होते हैं। तो अब जो दो अच्छे बैट्समैन थे दोनों के दोनों चले गए, और इसके बाद मैंने एस्टन टर्नर को लाया। अब एक ओवर 4 गेंद 19 रन पे मेरे 2 विकेट जा चुके हैं। अब यहाँ पे देखो 117 नहीं, ये तो स्ट्रोक शॉट है, स्ट्रोक शॉट खेलना पड़ेगा, जैसे कि मैंने कहा कभी कभी खेलना पड़ेगा जब विकेट्स चले जाए, क्योंकि ज़्यादा विकेट भी आप गंवा नहीं सकते, इनफ रहेंगे विकेट्स भी आपके पास। अब यहाँ पे मैं खेलूँगा फिर से 117, क्योंकि अब क्या है कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बन चुका है, तो एक और चौका यहाँ पे मिलेगा। अब 2 ओवर में हमारा स्कोर हो चुका है 24 रन। अब यहाँ पे देखो पावर प्ले में सिर्फ अपने 24 रन हुए, क्योंकि बॉलर्स बहुत ही अच्छे थे। अब जो बॉलर है वो है एम सेंटनर, तो इसका स्किल थोड़ा सा कम है, उसकी वजह से इसके पास ड्रिफ्टर गेंद नहीं है। अब ड्रिफ्टर नहीं है तो अब देखो इसको कितना भुगतना पड़ेगा। यहाँ पे हमने 4-3-1 खेला, 4 रन बटोरे, क्योंकि हमें पता है भाई गेंद अब कहाँ पे आएगा, क्योंकि ड्रिफ्टर तो है नहीं इसके पास, और ऊपर से फील्डर देखो कहाँ पे रखा है। और अब देखो फील्डर जहाँ पे नहीं है वहाँ पे हम करेंगे खेलना शुरू। यहाँ पे मैंने 156 खेल के चौका मारा था। अब ये देखो इस पर क्या होगा, इस पर मैंने भाई गलती से यहाँ पे बैक फुट मार दिया, फिर से यहाँ पे फ्रंट फुट मारना था। अब यहाँ पे तो आराम से 308 नंबर का शॉट लग जाएगा, और ये भी छक्के के लिए जाएगा। अब जो अगला गेंद है पीछे हटेंगे थोड़ा, और 117 का शॉट, यहाँ पे 2 रन ले सकते हैं। यहाँ से इसने फील्डर हटा के गलती करी है, और ये भाई साहब यार बहुत अच्छे डायरेक्ट रिट शुरुआत में मारे थे ना, मेरे को तो डरा दिया था, मैं मुश्किल से 2-2 रन भाग रहा था। अब यहाँ पे देख सकते हैं आगे अगला गेंद, और यहाँ पे भाई गलती कर दी मैंने, और एक कैच आउट हुआ है यहाँ पे एस्टन टर्नर। वैसे देखा जाए तो 7 गेंदों में 17 रन काफ़ी अच्छी इनिंग है 5 ओवर की कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पे 6 बैट्समैन होते हैं, अगर एक एक ओवर अच्छे से एक एक बैट्समैन खेल लेता है तो भाई काफ़ी बढ़िया ही रहता है, दिक्कत नहीं होता कोई। अब ये जो है ओवर है वो 4th ओवर, वॉशिंगटन सुंदर, ये भी यहाँ पे अच्छा स्पिनर है 70 स्किल के साथ। और यहाँ पे देखो इसका तो भाई पहले ही बॉल पे विकेट गया, टाइमिंग थोड़ा सा मिस हो गया, क्योंकि मैंने सोचा था कि भाई शायद ये कैरम आया, पर ये तो निकल के आया, दूसरा तो विकेट गंवाना पड़ेगा, पर नो टेंशन, अभी अपने पास एक और 74। अब ये टाइमिंग जो बहुत कम है, क्योंकि इसका टाइमिंग है सिर्फ 74, पर हमें इसके साथ भी खेलना है, ऐसा नहीं है कि 74 टाइमिंग है तो हम डर जाएंगे।
ऐसा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पे देखो यू खान 76 टाइमिंग के साथ यहाँ पे छक्का लगाते हुए 363 खेला है और काफ़ी अच्छे से शॉट लगता है। प्रीसेट 2 में ज़रूर सेट कर लो, यहाँ पे मैं तो सेट कर चुका हूँ क्योंकि मुझे पता है 156 यहाँ पे लग जाता है, 134 की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर थोड़ी ऊपर नीचे लेंथ हो तो बैक फुट पे 156 इनफ है। अब यहाँ पे देखा जाए 3 ओवर 3 गेंद 47 रन 4 विकेट। अब देखो यहाँ पे मैंने फिर से खेला 117 117 का शॉट और इस बार सही टाइमिंग के साथ खेला है तो 6 रन मिलेंगे। 53 पे पहुँचे हम। अब अगला गेंद और ये देखो ये फिर से हमने यहाँ पे खेल दिया ऑफ स्पिन को देखकर 363, क्योंकि मैंने जैसे ही कि आपको बताया 363 कम बाउंस पे भाई बहुत ही अच्छा लगता है, तो वो शॉट लगा देना खास करके। अब यहाँ पे मैं खेलूँगा 156 और ये देखो जो गेंद है वो जा रहा है गैप में, तो गैप में जाने का फ़ायदा यहाँ पे ये मिला कि हमें 4 रन एक्स्ट्रा मिल गया और 4 ओवर में 59 रन भाई बहुत होता है। अब लास्ट ओवर भाई आपके लिए बोनस ओवर, क्योंकि ये स्पिनर के लिए बनाना था वीडियो और ये फास्ट बॉलर है, तो अब देख लो फास्ट के सामने भी कैसे खेल रहा है। अगर यहाँ पे लो बाउंस बॉलर है, देख लो इसका बाउंस बहुत लो है, तो केमर रोच काफ़ी तेज़ गेंद करता है और साथ में बाउंस इसका लो रहता है तो किस तरह से खेल रहा है। अब यहाँ पे देखो योकर डाला है तो यहाँ पे तो 363 एक दो स्टेप पे लग ही जाएगा, तो यहाँ पे एक ए ट्राई कर सकते हो। और अब देखो वहाँ पे इसने फील्डर लगा दिया, अब जहाँ पे हमने 363 खेला ना वहाँ पे इसने फील्डर लगाया, तो मैं यहाँ पे खेल रहा हूँ 417। अब इसको एक स्टेप दूर रह के खेलना है 417 को यहाँ पे, तो आप 3 रन या 4 रन वहाँ पे मिल भी सकते हैं। 4 रन तब मिलेंगे जब फील्डर ना हो। अब फील्डर पहुँच गया तो अब क्या ही कर सकते हैं, अब पीछे रह के यहाँ पे 431 खेल सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया ये जो बॉलर है वो लो बाउंस का बॉलर है और इसकी वैसे स्किल 70 की है, तो ये भाई अगर चाहे ना तो टाइमिंग में कन्फ्यूज़ कर सकते हैं स्लो और स्ट्रेट के साथ। पर अभी ये जो है इन स्विंग कर रहे हैं और भाई जितना तेज़ मारोगे ना उतना अच्छा रहेगा, गेंद डालने से पहले मार ही दो, बल्ले को एकदम से घुमा के रख दो। और ये देखो वहाँ पे छक्का मिल गया था और इस वाले गेंद पे तो 517 शॉट लगेगा आसानी से, तो ये भी जाएगा चौका क्योंकि यहाँ पे फील्डर नहीं रखा है कोई। तो इस तरह से अगर बैटिंग करोगे तो भाई बहुत आसानी रहेगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।